हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.5 के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.3 में। तो नीचे प्लस फोर वाली वैल्यू है, तो अपन यहाँ पर प्लस फोर और माइनस फोर कर देते हैं। अब आप इनको सेपरेट कर लो। देखो एक्स प्लस फोर के नीचे रूट एक्स प्लस फोर अलग कर लिया, और यहाँ पर डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस फोर अलग कर लिया। यहां से रूट हटेगा तो ऊपर वाले पर रूट लग जाएगा। अब वैल्यू क्या बची है मेरे पास, एक्स प्लस फोर की पावर हाफ डी एक्स, और यहां पर है एक्स प्लस फोर की पावर माइनस हाफ डी एक्स। इसका कितना हो जाएगा, प्लस वन करूंगा तो एक्स प्लस फोर की पावर 3/2, और यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस फोर में प्लस वन एड करेंगे इसमें तो पॉजिटिव का हाफ बनेगा। ऊपर भेजो 2/3 एक्स प्लस फोर की पावर 3/2 माइनस 8 एक्स प्लस फोर की पावर हाफ। अब हम या तो इतना ही छोड़ दो आप आंसर, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। देखो एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर इधर की पावर हाफ है, इधर की पावर वन, और हाफ दोनों है इधर, तो मैं हाफ पावर निकाल लेता हूं कॉमन। अगर मैंने हाफ पावर निकाल ली तो इधर क्या बचेगा, एक तो 2/3 बचेगा एज इट इज, एक एक्स प्लस फोर भी बचेगा वन पावर वाला, भाई डेढ़ है ना यहाँ पर, वन एंड हाफ है तो हाफ चला गया तो वन बचा, माइनस 8 और x प्लस फोर की पावर हाफ हम कॉमन ले चुके हैं। ओके तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, यहां पर रूट हो गया 2x प्लस फोर माइनस 8, 3 24 अपॉन 3। अपन इसमें ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, प्लस 8 करके 12 माइनस 4, चलो ठीक है ऐसे भी तो यार 2x प्लस 2 4 8 माइनस 24 अपॉन 3 प्लस सी 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 16 अपॉन में 3 प्लस 6। ओके अब देखो रूट एक्स प्लस 4 इसमें से कॉमन निकाल लें, 2 अपॉन 3 कॉमन निकाला मैंने बाहर, है ना, 2 तो है मतलब पहले से अपॉन वाला 3, इधर कितना बचा 2 8 16 प्लस सी, ठीक है तो ये हो गया 2/3 रूट में एक्स प्लस फोर एक्स माइनस 8। बताओ क्या समझ नहीं आया, क्लियर, यहां लिखूंगे ऊपर आंसर लिख नहीं रहा होता। देखो ये बनाया मैंने, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है ये 16 बचा, 2 8 16, ये हो गया 2/3 रूट में एक्स प्लस फोर एक्स माइनस 8 प्लस, ये होगा आंसर फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में सेकंड, इंटीग्रेट एक्स रूट एक्स प्लस 2 और डी एक्स, है ना, यहां भी सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं हम, एक्स प्लस 2 और माइनस 2। अब देखो एक्स प्लस 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस 2 से डॉट डी एक्स, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस 2 से, यहाँ देखो एक्स प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1 और हाफ यानी 3/2, और यहाँ एक्स प्लस 2 की पावर है हाफ, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 1 यानी 5/2, प्लस 1 करते 2 प्लस 3 5/2, सो प्लस 1 यानी 3/2, यहाँ भी नीचे 5/2 आएगा, यहाँ भी नीचे 3/2 आएगा, ऊपर जाएगी वैल्यू तो ये 2/5 एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2 2 4/3 एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। अब बताओ क्या समझ नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे, सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड।